अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैफ नवाज, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सैफ नवाज ऑफिशियल में। गोभी द्वारा अच्छी बोलो, पूरा चेंज करता हुआ और ये पट्टी अंडर नेट करता हुआ पूरा चेंज 4-0 कटिया 4 मनोहरपुर 0। बहुत ही अच्छा बार, लेकिन हाँ लोग टच होता हुआ टच बार पूरा चेंज 0-4 मनोहरपुर 0 इस मैच को देखने के लिए लगभग 50,000 दर्शक मौजूद है और अच्छी मार, अच्छी मार मनोहरपुर की तरफ से, बहुत ही अच्छी मार, चेंज करता हुआ 0-4 मनोहरपुर 0 कटिया 4। ये सर्विस अच्छी सर्विस एक द्वारा हर के हाथों से बोल को, बहुत ही अच्छा मार, इतनी अच्छा डिफेंस और ये फिरोज द्वारा आउट आउट और कंटिन्यू होता हुआ 1-4 कंटिन्यू सर्विस 1-4 और ये पट्टी मार बैठे कंटिन्यू सर्विस, कृपया एक जैसे 2-4 कंटिन्यू सर्विस 2-4 मनोहरपुर 2 और अब बहुत ही अच्छा मार उठाने का नहीं और इसी के साथ चेंज करता हुआ 4-2 की सर्विस और ये जबरदस्त ब्लॉक क्यू क्यू और कंटिन्यू होता हुआ इसको रन करता है, कंटिन्यू है ना 2 खेल को 2 मिनट रोका गया है, पीछे जो लड़के फ्लैश जला रहे मोबाइल का फ्लैश, मोबाइल का फ्लैश बंद कीजिए, टॉर्च जो चल रहा है जिनके अंपायर होंगे मामू आलम और लेग अंपायर के रूप में रहेंगे अनवर आलम और ये सर्विस किसको रन मार रहा है तरफ से अच्छी सर्विस और थक्का हुआ जाए इसीलिए जो है पूरा कंटिन्यू होता हुआ 7-2 की सर्विस अच्छी सर्विस उतनी अच्छा डिफेंस गोलू द्वारा बहुत ही अच्छा मार उतनी अच्छा डिफेंस हल्के हाथों से प्लेसिंग किया गया दोनों टीम जबरदस्त पराक्रम दिखाता हुआ बहुत ही अच्छा मार होता है लेकिन आउट मार बैठे चेंज करता हुआ 2-7 मनोहरपुर 2 कटिया 7 और बहुत ही अच्छा मार इतने अच्छा डिफेंस आपके हाथों से गोल को टपाया और इसी के साथ बहुत ही अच्छा मार खाने में नाकामया पूरा चेंज होता हुआ 7-2 कटिया 7 मनोहरपुर 2 सर्विस चेंज
अच्छी सर्विस आगे बॉडी कंटिन्यू सर्विस के टू टाइम आउट मनोहर की तरफ से चार चार लगे लाया वो अरे वाह पहला टाइम आउट लाया वो से इस डैग इन डाले उसमें इस पर में होता है इन डाले है क्या सर्विस की सर्विस अच्छी सर्विस और मनोहर को चाहिए तालमेल बना के खेले दोनों टीम को चाहिए तालमेल और ये फिरोज द्वारा ने फिरोज रेजा द्वारा ने चेंज होता हुआ टू एट अच्छी सर्विस बहुत ही अच्छा सलून बॉल उठा बना कर दिया अच्छी मार दोनों ही टीम से अगर मारे तो दर्शक को चाहिए कि ताली बजाए और ये सर्विस एक टू की सर्विस बहुत ही अच्छा मार रवि द्वारा उठाने में रहा कामयाब पुनः चेंज करता हुआ टू एट की सर्विस अच्छी सर्विस फिंगर फॉर और थ्री लेकिन आओ पुनः चेंज करता हुआ थ्री के सर्विस काफी अच्छा स्मैच के अब द्वारा लेकिन कुर्सी बाहर चली गई जिसका फायदा मिलेगा कटुतिया को और उसके साथ ही कटुतिया का स्कोर बढ़ता हुआ 9-3। एक आवेश से सूचना जो भी गाड़ी रोड में लगा के रखे हैं वहां पर गैरेज बना हुआ है भैया गैरेज में रखे क्योंकि रास्ता को जाम ना करें आने जाने में दिक्कत होता है इसीलिए कृपया वाहन जिसका भी है दोपहिया वाहन वो अपना गैरेज में रखे गैरेज बगल में खुला हुआ है गैरेज में रखे सर्विस कटुतिया की तरफ से सर्विस पूरा चेंज स्कोरर में आ रहा है 3-10 मनोहरपुर 3 कटुतिया 10 और ये सब बहुत ही अच्छा मार के हाथों से बॉल को पास करता हुआ अच्छी डिफेंस बहुत ही आराम की अच्छा डिफेंस रवि द्वारा अच्छा प्रयास बहुत ही अच्छा मार उठाने में नाकाम है अपना चेंज 10-3 कटौतिया 10 मनोहरपुर 3 तालमेल बना के खेले आ रही है आउट आउट लैंडमैन गलत जो डिसीजन देना एक बार में और लैंडमैन खड़ा रहो आ रही सर्विस अच्छी सर्विस मनोहरपुर पर बहुत ही अच्छा मार मुझे आता है उठाने में नाकाम है पूरा चेंज 10-3 की सर्विस कटौतिया की तरफ से मनोहरपुर के लिए ये सर्विस अच्छी सर्विस उतनी अच्छा डिफेंस हल्के हाथों से आपका द्वारा मार बहुत ही अच्छा मार ताले में कामयाब मनोहरपुर तालमेल में कमी आपस में तालमेल बना के खेले और ये कंटिन्यू सर्विस होता हुआ 11-3 कटौतिया 11 मनोहरपुर 3 बहुत ही अच्छा मार रवि द्वारा उतनी अच्छा डिफेंस और ये फिरोज द्वारा हल्के हाथों से प्लेसिंग किया गया बॉल को और ये हल्के हाथों से आपका द्वारा प्लेसिंग सूझबूझ भरी प्लेसिंग कामयाब प्लेसिंग और दर्शक कृपया पीछे हट जाए दर्शकगण कृपया पीछे हट जाए आपस में ना उलझे दर्शकगण कृपया आपस में ना उलझे दर्शकगण
और पूरा चेंज करता हुआ 11-3 अरे खेल को रोको। हेलो, एक कमेटी की तरफ से एक निर्णय लिया गया है, जो टीम खेलेंगे उसका कप्तान ही खाली अंदर रहेंगे, दर्शक उसका अगर फेवर करेगा या धक्का मुक्की करेगा उस टीम का पॉइंट काटा जाएगा, एक पॉइंट काट लिया जाएगा, इसीलिए धक्का मुक्की ना करें। और ये बहुत ही अच्छा मार, इसलिए अच्छा डिफेंस उठाने में नाकामयाब। पुनः चेंज करता हुआ 11-3 कठोतिया की तरफ से सर्विस, कृपया बॉल को अंदर अंदर भेजे, बॉल को अंदर भेजे, बॉल आता हुआ सर्विस कठोतिया की तरफ से मनोहरपुर के लिए 11-3 चेंज सर्विस, 11-3 अच्छी सर्विस, उसमें अच्छा डिफेंस। मनोहरपुर 3 कठोतिया 11 सर्विस, अच्छी सर्विस, यहाँ के हाथों से प्लेसिंग, क्या जबरदस्त प्लेसिंग। पुनः चेंज 11-3 स्क्वाड वार्ड 11-3 की सर्विस, ये सर्विस अच्छी सर्विस, बहुत ही अच्छा मार मंगला, और ये आउट मार बैठे, कंटिन्यू सर्विस, बहुत देर के बाद लगभग 2 घंटे के बाद कंटिन्यू होता हुआ 12-3 कठोतिया 12 मनोहरपुर 3 सर्विस, अच्छी सर्विस, बहुत ही अच्छा मार अब तक द्वारा, लेकिन ब्लॉक, और ये पट्टी मार बैठे, समीम जी पुनः चेंज करता हुआ, और सर्विस 3-12 और ये आउट सर्विस, आउट, पुनः चेंज 12-3 की सर्विस, 12-3 कटोतिया 12 मनोहरपुर 3, बहुत ही अच्छा मार रवि दरा, लेकिन आउट मार बैठे, कंटिन्यू सर्विस 13-3 मनोहरपुर के तालमेल में कमी, और ये प्लेसिंग क्या आपका जो है ये मेरी प्लेसिंग, और इसी प्लेसिंग के साथ चेंज करता हुआ अच्छी सर्विस, बहुत ही अच्छा मार, और ये हर प्रयास से बॉल को पास किया आपका द्वारा, बहुत अच्छा मार उठाने में नाकामयाब। पूरा चेंज, का सिलसिला चलता हुआ 13-3 कठोतिया 13 मनोहरपुर 3 धन्यवाद। इसके बाद भी अच्छा खेल, इसके बाद जो खेल होना है ग्रुप ए का सेकंड मैच खेला जाएगा, मोहनपुर वर्सेस शमशेरगंज के बीच में खेला जाएगा, जिनमें अंपायर होंगे महबूब आलम और लीग अंपायर के रूप में रहेंगे अनवर आलम। टीम का घोषणा कर दें, मनरपुर वर्सेस मोहनपुर वर्सेस शमशेरगंज, और ये सर्विस अच्छी सर्विस, और ये लगातार सर्विस 14-3 लास्ट बॉल कठोतिया की तरफ से मनोहरपुर के लिए 14-3 लास्ट बॉल, अच्छी सर्विस, बहुत ही अच्छा बॉल, इसी के साथ गेम आउट, इसी के साथ 14-3 में गेम लेता हुआ मनोहरपुर को दूसरा सेट का खेल जारी है, और कठोतिया की ओर से सर्विस होगी, जिस जो की सर्विस बहुत ही अच्छा है, आपके द्वारा कोई मौका नहीं देखे थे खिलाड़ी के पास, और बेहतरीन फायदा उठाते हुए मनोहरपुर देखने में दिलचस्प रहेगा क्या करेंगे मनोहरपुर खिलाड़ी, क्योंकि मनोहरपुर ने पहला सेट गवाए हैं, दूसरे सेट में देखने में दिलचस्प रहेगा, बॉल को अंदर भेजे, दर्शक बॉल को अंदर भेजे,
बहुत ही जबरदस्त मार था और इसी मार का जवाब अब कठोरिया की तरफ से आएंगे। ये है उसका जवाब और बहुत ही अच्छा मार दिया जवाब और यहाँ पे आता साहब का द्वारा प्लेसिंग और यहाँ पे आता से प्लेसिंग का सिलसिला जारी है। ये फोर रन होता हुआ पुना चेंज 0-0 रमेश 0-0 दूसरा दहले पुंडे महंगा आ जाता कोई ना और इसी के साथ अच्छी सर्विस बहुत ही अच्छा मार रोबी दो रहा है अच्छा डिफेंस ये हर क्या दूसरे प्लेसिंग किया गया बॉल को मुजाहिद द्वारा प्लेसिंग जबरदस्त प्लेसिंग और इसी के साथ खाता खुलता हुआ इसी के साथ कटोतिया का खाता खुलता हुआ 1-0 कटोतिया 1 मनोहरपुर 0 सर्विस अच्छी सर्विस और ये बेहतरीन सर्विस था बहुत ही अच्छा लेकिन आउट कंटिन्यू सर्विस 2-0 कटोतिया 2 मनोहरपुर 0 बहुत ही अच्छा टच मार और ये सर्विस चेंज करता हुआ 0-2 की सर्विस बहुत ही अच्छा दे दोस्त दे निक जर्मन जी भाई ने ये ने भाई ने पुना चेंज 2-0 तो क्या 2 दोनों ही टीम दोनों ही तरफ से धमाधम मार चल रहा हुआ और ये बहुत ही अच्छा मार लेकिन पट्टी मार बैठे कंटिन्यू 3-0 मनोहरपुर अपना लेग होता हुआ और सर्विस जो कि अपना था अच्छी सर्विस बहुत ही अच्छा मार उतने चार डिफेंस करने में नाकामयाब पुनः चेंज 0-3 की सर्विस मनोहरपुर की तरफ से अच्छी सर्विस अब ये हल्के हाथों से आर्याउ इसी के साथ खाता खुलता हुआ मनोहरपुर का खाता खुलता हुआ 1-3 की सर्विस बहुत ही अच्छा मार मुझे द्वारा टच मार अंपायर से नहीं उलझे और ये हल्के हाथों से प्लेस है कंटिन्यू सर्विस 2-3 अब धीरे धीरे मनोहरपुर अपना ले में आता हुआ 2-3 की सर्विस कंटिन्यू बहुत देर के बाद दोनों टीम का अंक बराबर इसी के साथ कटोते के तरफ से फर्स्ट टाइम आउट दोनों टीम बराबर पर 3-3 की सर्विस होगा और परेश भाई टाइम आउट समाप्त होता हुआ की सर्विस होगी मनोहरपुर की ओर से कदोटिया के लिए और काफी अच्छा स्टार्ट मुजाहिद इस्लाम के द्वारा और इसका फायदा मिलता हुआ चेंज के रूप में कदोटिया को 3-3 की सर्विस होगी कदोटिया की ओर से मनोहरपुर के लिए। आप सभी बता दूं कि मनोहरपुर ने पहला सेट गवा दिया है दूसरे सेट में मनोहरपुर को वापसी करने की जरूरत है अगर इस सेट में वापसी नहीं करेंगे इस सेट को नहीं जीतेंगे तो फिर सिमरिया के खिलाड़ी से गुजारिश है कि सिमरिया कोई एक खिलाड़ी आए और नाश्ता लेकर के जाए सिमरिया खिलाड़ी से गुजारिश है कि आप आए कमेंट्री बॉक्स से नाश्ता लेकर के जाए। कटुतिया की ओर से सर्विस होगी और आसपास करेंगे सर्विस 3-3 की सर्विस कटुतिया की ओर से मनोहरपुर के लिए बहुत ही अच्छा स्मैश करने का प्रयास रॉबी के द्वारा और सफल भी रहे रॉबी उसका फायदा मिलता हुआ चेंज के रूप में और सर्विस करेंगे अनवर मनोहरपुर की ओर से 3-3 की सर्विस होगी कटोतिया के लिए काफी अच्छी सर्विस और यहाँ पे मौका है परवेज के पास गेंद को बनाने का मुजाहिद इस्लाम के लिए और उसका मुजाहिद इस्लाम का काफी अच्छा शॉट और उसका फायदा मिलता हुआ चेंज के रूप में लगातार चेंज का सिलसिला जारी है दोनों ही टीमों के बीच में कालीगंज कटोतिया वर्सेज मनोहरपुर के बीच में और इस बार काफी अच्छी सर्विस करेगी अच्छा शॉट यहाँ पर रॉबी के द्वारा और फिर लेकिन मनाया काफी बेहतरीन रहा अच्छी फील्डिंग और समीम ने अंत में गेंद को पास कर दिया है और यहाँ पर फिर से मौका है फिरोज के पास गेंद को बनाने का पर समीम के लिए समीम का अच्छा स्मैश था लेकिन गेंद
बॉक्सर इसे नहीं कर पाए, मोनरपुर के खिलाड़ी इसका फायदा मिलेगा कटुतिया को 4-3 की सर्विस। और आपके द्वारा काफी जोरदार स्मैश, लेकिन गेंद कोर्ट से बाहर चली जाएगी, अंपायर साहब के द्वारा आउट करा दिया गया, जिसका फायदा मिलेगा कटुतिया को। कटुतिया इस समय 2 अंकों से आगे चल रही है, अब सबके पास मौका है इस गेंद को बनाने का। रॉबी ने स्मैश किया हाथ के हाथों से, फिर से मौका है यहाँ पे मुलायम इस्लाम के पास, काफी अच्छा शॉट, गेंद काफी ऊपर जा रही है, और अनुर के पास फिर से मौका है, काफी दमदार शॉट, गेंद चिपक के जा रही है, और किसी तरह से अशफाक ने गेंद को कमबैक करा लिया है, लेकिन गेंद बाहर चली जाएगी। और उसके साथ ही एक बार फिर से चेंज होता हुआ, अब अगली सर्विस आएगी मनारपुर की ओर से 3-5 की सर्विस। बहुत ही अच्छा स्मैश, लेकिन सुपर ब्लॉक, और अंपायर का इशारा राइट का, और इसका फायदा मिलेगा मनारपुर को, 1 अंक का इजाफा। मनारपुर ने पहला सेट गवाया है और इस सेट में 1 अंक से पीछे चल रहे हैं, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि मनारपुर इस सेट को किस प्रकार से जीतती है। और काफी सुंदर ब्लॉक लॉबी के द्वारा। दर्शकों से गुजारिश है कि आप शांति बनाए रखें, यह मैच जो है काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दूसरा सेट जारी है मनारपुर वर्सेस कटुतिया के बीच में। 5 की सर्विस काफी अच्छी चला की यहाँ पे फिरोज के द्वारा, और बहुत ही अच्छा स्मैश, और परवेज ने गेंद तुलाने का प्रयास किया, बहुत ही तगड़ा स्मैश शमीम के द्वारा। दर्शकों शमीम के लिए और जोरदार ताली बजाएं शमीम के लिए, बहुत ही धूमधाम प्रहार शमीम के द्वारा, पिछला जो स्मैश था काफी तगड़ा, और उसका फायदा मिलता हुआ चेंज के रूप में कटुतिया को 5 की सर्विस। और एक बार फिर से मौका है यहाँ पे स्मैशर रॉबी के पास स्मैश करने का, अच्छा स्मैश, अच्छी फील्डिंग, और एक बार फिर से, लेकिन यहाँ पे उलझ गए तनवीर फौजी, जो काफी समय के बाद कमबैक कर रहे हैं अपनी टीम में, बहुत समय के बाद वापसी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी टीम उनसे उम्मीद करी कि वो बेहतर प्रदर्शन करें। और इस वक्त क्योंकि कटुतिया का स्कोर आगे जा रहा है, 1 अंक से आगे चल रही है कटुतिया, और यहाँ पे चेंज कराने में कामयाब मनारपुर 5-6 की सर्विस। मुजाहिदुल इस्लाम का काफी अच्छा शॉट, और अंपायर का इशारा राइट का, सही तरह से गेंद को गेंद तक नहीं पहुंच पाया अनवर आलम, इसका बेनिफिट मिलेगा कटुतिया को 6-5 की सर्विस। दोस्तों ग्रुप ए का सेकेंड मैच खेला जाएगा मोहनपुर वर्सेस शमशेरगंज के बीच में, उस बीच काफी अच्छा स्मैश रॉबी के द्वारा, हल्के गेंद को धकेल दिया है शमीम ने, और अच्छा स्मैश यहाँ पे आपके द्वारा नजर भरा स्मैश, और उसका फायदा मिलता हुआ मनारपुर को। आफ्ताब का चलना काफी महत्वपूर्ण रहेगा दूसरे सेट में, क्योंकि और ये गलती कर गए सर्विस में अनवर आलम, सर्विस में गलती करेंगे तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आप पहला सेट गवा चुके हैं, सर्विस में गलती नहीं कर सकते। और बहुत ही तगड़ा प्रहार आफ्ताब के द्वारा, लेकिन गेंद को आने में कामयाब, और एक बार फिर से शमीम फील्ड करने में नाकामयाब तनवीर पहुंचे, जिसके साथ ही कटुतिया के खाते में 1 और अंकों का इजाफा 7-5 की सर्विस होगी कटुतिया की ओर से मनारपुर के लिए। मनारपुर की ओर से कटुतिया के लिए स्मैश आए, काफी अच्छा स्मैश, लेकिन अच्छी फील्डिंग इस बार अनुर आलम के द्वारा, और काफी अच्छा स्मैश रॉबी के द्वारा, फिर से गेंद हवा में है, इसमें से राइस मैच किया, काफी अच्छा स्मैश, गेंद फिर से हवा में, और हल्के हाथ गेंद को धकेल दिया है, और सही तरह से फील्ड नहीं कर पाए, और इसका फायदा मिलेगा कटुतिया को। कटुतिया काफी अच्छे रंग में नजर आ रही है, पिछला मैच जो घटा था उनका काफी खराब रहा था पिछला मैच, लेकिन इस मैच में बहुत ही खूबसूरत वापसी करी है कटुतिया ने, और एक बार फिर से पूरा उसी मोड में नजर आएंगे जिस प्रकार पिछले कुछ टूर्नामेंट में खेले हैं कटुतिया। और यहाँ पे अंपायर का विषय को समझे चेंज होता हुआ 5-7 की सर्विस। प्रवेश ने गेंद बनाया प्रवेश के लिए, प्रवेश ने हल्के हाथ गेंद को खेल लिया, और यहाँ पे स्मैशर आपका दुबा काफी अच्छा शॉट, इनके विपक्षी का बहुत ही अच्छा शॉट था, लेकिन काफी अच्छा ब्लॉक हुआ भी द्वारा, जिसको रिटर्न करने में नाकामयाब। इसके साथ ही मनारपुर के खाते में 1 और अंकों का इजाफा
6-7 की सर्विस, बहुत ही तगड़ा प्रहार परवेज आलम के द्वारा शीर्षा कलम कटौती की ओर से 7-6। दर्शक बिल्कुल खामोश है। जिस प्रकार इससे पहले बहुत ही अच्छा क्षण घटा था मैच का, काफी अच्छा नजारा पेश किया था दोनों ही टीमों ने, और एक बार फिर से दोनों टीमों को दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों टीमें कठियार की बेहतरीन टीमों में से एक है। और यहाँ पे कठुतिया दो अंकों से आगे चल रही है और दो अंकों का फासला को कम करने की जरूरत है मनोहर को, और यहाँ पे पाना मिलता हुआ कठुतिया को। सर्विस में इस तरह की गलती करेंगे तो फिर और उसी के साथ टाइम आउट लेता हुआ हो सके। हेलो हेलो बोले बोलिएगा। 9-6 की सर्विस होगी, टाइम आउट ले लिया गया है। रोशन क्लब वॉलीबॉल टूर्नामेंट का ये बहुत ही खूबसूरत मैच आप देख पा रहे हैं कठुतिया वर्सेस मनोहरपुर के बीच में, और कुछ कारणों से क्योंकि इंजरी हुई है तरवीर फौजी को, इस वजह से वो रेस्ट करेंगे और उनके उनको रिप्लेस करेंगे छोटू, क्योंकि काफी समय बाद तरवीर फौजी वापसी करी है मैदान में और कुछ इंजरी होता हुआ इस वजह से बाहर चले गए हैं। अब उनके जगह पे छोटू आए हैं, देखना पड़ा है दो चेंज है, अनवर को रिप्लेस किया है। कौन सर्विस होगी? 9-6 की सर्विस होगी कटौती की ओर से। अच्छी सर्विस और हल्के हाथ इसके बाद गेंद को स्मैश किया हल्के हाथ और बहुत ही अच्छा शॉट शमीम के द्वारा कटौती की ओर से। पिछले कुछ मैच में शमीम नहीं खेले थे और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए कटौती की ओर से शमीम, और धीरे धीरे कटौती आगे बढ़ता हुआ 6-10 की सर्विस। वो अच्छा शॉट लेकिन वो उससे बेहतरीन ब्लॉक मुजद्दुल इस्लाम के द्वारा और ब्लॉक नहीं कर पाए कठुतिया के खिलाड़ी, इसका फायदा मिलेगा मनोहरपुर को चेंज के रूप में। लेकिन मनोहरपुर को यहां से संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ करने की जरूरत है मनोहरपुर को, क्योंकि अभी भी 4 अंकों से पीछे चल रही है। काफी जबरदस्त स्मैश शमीम के द्वारा जिसका लगातार फायदा उठा रहे हैं शमीम की वजह से कठुतिया की टीम। 10-6 की सर्विस होगी कठुतिया की ओर से मनोहरपुर के लिए। दोनों टीमों के बीच में 4 अंकों का फासला, पीछे मौका बना है यहाँ के फिरोज के पास गेंद को धकेलने का और गेंद को धकेल दिया, नियाज गेंद बनाया यहाँ पे छोटू के छोटू आए इस मैच में, काफी अच्छा स्मैश लेकिन अच्छी फील्डिंग, और फिर से एक बार छोटू का मौका है, छोटू ने हाँ किया केवल प्लेस किया और उसका फायदा मिलेगा चेंज होता हुआ 6-10। 6-10 की सर्विस और गेंद हाथों से छिपेगी जाबू के हाथों से, इसका फायदा मिलता हुआ मनोहरपुर को। अंक जैसे भी आए लेकिन अंकों का इजाफा करना काफी जरूरत है मनोहरपुर के लिए, क्योंकि पहला सेट गवा चुके हैं, दूसरे सेट में भी अभी पीछे चल रहे हैं और अंपायर का इशारा राइट का जिसका फायदा मिल जाएगा अपने मनोहरपुर को। एक बार जोरदार ताली दे मनोहरपुर के लिए, क्योंकि मनोहरपुर में काफी अच्छी बात की है, एक बार जोरदार ताली मनोहरपुर के लिए। 8-10 की सर्विस मनोहरपुर के ओर से कठुतिया के लिए, और नियाज ने गेंद बनाया अब तक के लिए, अब तक ने हाथ के साथ अगले प्रेस किया लेकिन नेट में ही उलझा दिया और उसका फायदा मिलता हुआ कठुतिया को। कुछ हद तक वापसी करी है मनोहरपुर ने, क्योंकि काफी अंकों का फासला था, 4 अंकों का फासला था जिनको कम करके अभी इस वक्त 2 अंकों का फासला है, लेकिन यहां से भी बेहतर करने की जरूरत है और रॉबी के द्वारा काफी अच्छा लेकिन हमारी फायर गेंद बाहर चली गई कोर्ट से जिसका फायदा मिलेगा कठुतिया को। 11-8 दूसरे सेट में कठुतिया जीत की ओर अग्रसर है, अगर यह सेट जीत लेगी तो कठुतिया यह मैच जीत जाएगी। बहुत ही अच्छा स्मैश और देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि कठुतिया मनोहरपुर को क्या हरा पाती है। अभी तक मैंने जितने भी मैसेज देखे हैं कठुतिया को मैंने मनोहरपुर को हराते हुए नहीं देखा है, देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि आज क्या कठुतिया मनोहरपुर को हरा पाएगी, देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा क्योंकि 3 अंकों से आगे चल रही है, वापसी करने का मौका है जी हाँ, यहाँ पर फायदा मिल जाएगा। एक चेंज होता हुआ यहाँ पर
उल्टा हो गया। कंटिन्यू नाइन हुआ है, नाइन इलेवन नौ ग्यारह की सर्विस। अब दो अंकों का फासला, क्या आप इस फासले को भी कम कर पाएंगे? आपका बहुत अच्छा स्मैश, अच्छी फील्डिंग, गेंद बाहर चली जा रही है और बाहर जाता हुआ उसके साथ ही चेंज होता हुआ इलेवन नाइन की सर्विस होगी। कटौतिया की ओर से देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि अब सर्विस आगे किस प्रकार की सर्विस करेंगे और क्या इस सर्विस प्लान का अर्जित करेंगे। लेकिन चेंज कराने में कामयाब मुनाफुल के खिलाड़ी रॉबी। टीम का सिलसिला लगातार जारी रहेगा क्योंकि एक ओर कम बैक करने का प्रयास करेगी मनोरपुर, दूसरी ओर कथुटिया चाहेगी कि इस सेट को भी जीत ले। बहुत ही अच्छा स्मैश और कचा पूरा गेंद कोर्ट से बाहर, जिसका फायदा मिलेगा कथुटिया को। कथुटिया काफी अच्छे लय में नजर आ रही है आज, खासकर इस सेट में भी काफी अच्छे लय में नजर आ रही है। पिछला सेट बेहतरीन तरीके से जीता था, काफी अंकों का फासला था जीतने के बावजूद भी दोनों टीमों के बीच में, और यहाँ भी चाहेंगे कथुटिया की इस सेट को जीतेंगे। और उसके साथ ही दसवें ओवर के दौड़े के लिए जोर रहता है 12-9 बारह नौ की सर्विस के दौड़े की ओर से जीत के बिल्कुल कगार पे है कटोरिया। और फिर से अंपायर से खिलाड़ी का नाम उलझे, अपील करें लेकिन उलझे नहीं। अंपायर का इशारा इसी के साथ ही 39 अब सेकंड पूरा की सर्विस होगी पड़ते की ओर से, यहां से भी मौके को भरना पड़ेगा और बहुत ही लास्ट बॉल पड़ा इसकी सारी का शुरू 14 लास्ट बॉल कड़ते की ओर से। अगला मैच जो है मोहनपुर वर्सेस सफदरगंज, बहुत ही अच्छा स्मैश गेंद मैच के बाद दोनों कप्तान रुक जाएंगे कमेंट्री बॉक्स में। 9-14 की सर्विस बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पे, लेकिन गेंद बाहर चली जाएगी कोर्ट से बाहर और इसका फायदा मिलेगा मोहनपुर को। एक अंक का फायदा मिला है मोहनपुर को, देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा क्या मोहनपुर यहाँ से कमबैक करती है। अच्छी सर्विस आपके द्वारा और एक बार फिर से हल्की हाथ उसकी गेंद को ठोकेला है, लेकिन मौका है यहाँ पे मोहनपुर के पास हल्के हाथ से स्मैश करने का। अच्छा शॉट है आपके फिरोज के द्वारा, फिरोज के लिए जोरदार चली हो रहा है, बहुत ही अच्छा कैच है। फिरोज पुराने रेजर हैं और अनुभव को बिल्कुल साझा कर रहे हैं, अनुभव का भरपूर यूज कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा शॉट। और हल्के